तो आज मैंने इस तगड़े तगड़े मोड्स को अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर डाला है, जिसको देखने के बाद तुम लोग भी बोलोगे मजा आया। तो चलो बिना किसी देरी के फटाफट से बढ़ते आज की सबसे पहली मोड की तरफ। वेट, कॉल किसने किया यार? रुको गाइस, एक सेकंड रुक जाओ। हेलो 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 हेलो। ओके गाइस, तुम्हें को अभी यूट्यूब से कॉल आया था और वो लोग बोल रहे थे कि भाई तुम लोग मेरे वीडियोस देखते तो, बट आधे से ज्यादा लोगों ने तो अभी तक सब्सक्राइब किया ही नहीं है। तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब करो, तभी जाके हम 4 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकते हैं। तो माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम है जिसमें ना जानवरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। कोई भी प्लेयर हो, कैसा भी प्लेयर हो, जितना भी बड़ा नू प्लेयर हो, माइनक्राफ्ट में आने के बाद सबसे पहले तो वो किसी ना किसी जानवर को ही मारेगा। और बेचारा वो जानवर कुछ भी नहीं कर सकता है भाई, भागने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता ही नहीं होता है। और इनको मारने के लिए तलवार या फिर कुल्हाड़ी भी नहीं चाहिए भाई, सिर्फ मुक्के ही मार के इनकी जान निकाल सकते हैं हम। तो माइनक्राफ्ट का ये फीचर देख के मेरे को काफी ज्यादा बुरा लगा और बेचारे मासूम जानवरों के लिए मैं अन्याय नहीं देख सकता। तो ये अन्याय को समाप्त करने के लिए, वाह भाई हिंदी भाई, तो इस अन्याय को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एंग्री बर्ड्स मॉड को। क्या बोला तूने? एंग्री बर्ड्स नहीं, एंग्री मॉब्स, मैंने यही बोला था, शायद तुम लोगों का कान खराब होगा। तो इस मोड को ऐड करने के बाद माइनक्राफ्ट के हर एक मॉब के अंदर लड़ने की क्षमता आ जाती है, और अगर तुम लोग मॉब्स को अटैक करोगे तो मॉब्स भी तुम लोगों को वापस ही अटैक करेंगे। तो आज के बाद भाई सोच समझ कर ही मॉब्स को अटैक करना, वरना भाई क्या पता गाय के हाथों से तुम मर जाओ और तुम्हारे दोस्त को इस चीज के बारे में पता चले, फिर तो तुम मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचोगे। तुम्हारे सारे के सारे फ्रेंड्स तुम्हें बुलाएंगे नूब। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर तुम एक मॉब को मारोगे तो उनके सारे के सारे दोस्त और उनके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स भी तुमको अटैक करने आएंगे। तो सोच समझ कर ही पंगा लेना भाई, वरना तुम मॉब्स नहीं बल्कि मॉब्स तुम्हें खाएंगे इस वाले मोड के अंदर। नंबर टू, तो सोचो तुमने पहला वाला मोड को ऐड कर दिया और फिर तुम्हारे कुछ मॉब्स के साथ पंगा हो गया और अब बहुत सारे मॉब्स तुम्हारे जान के पीछे पड़ चुके हैं। तो तुम इन सारे मॉब्स से अपने जान को बचा के भाग रहे हो, पर तभी तुम्हारे सामने आ जाता है एक बहुत ही बड़ा वाला पहाड़ जिसके ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। तो इस सिचुएशन में तुम करोगे क्या? मेरे को पता है तुम लोग मेरे को गाली दोगे क्योंकि मेरे कहने पर ही तुम लोगों ने एंग्री मॉब्स वाला मोड को इंस्टॉल किया था। बट रुको यार, गाली देने से पहले इस मोड को भी देखो, क्योंकि इस मोड के वजह से तुम लोगों का जान बच सकता है। तो इस मोड का नाम है रोप ब्रिज मोड, और इस मोड में दो गन्स मिल जाते हैं, लैडर गन और ब्रिज बिल्डिंग गन। और इन गन्स से तुम लोग गोलियां तो नहीं चला सकते हो, बट उससे कई ज्यादा कूल चीजें कर सकते हो, जैसे कि तुम ऐसे वॉल्स के ऊपर लैडर्स लगा सकते हो और सीधा पहाड़ के ऊपर क्लाइम कर सकते हो। इसके लिए लगेगा तुम्हें अपना लैडर बिल्डिंग गन और अपने ब्रिज बिल्डिंग गन को यूज करके तुम लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ब्रिज बना सकते हो, और उस ब्रिज के रास्ते तुम लोग बहुत ही आराम से और क्विकली ट्रैवल कर सकते हो। तो काफी ज्यादा मजेदार है ये वाला मोड, इस मोड को जरूर ट्राई करना अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। नंबर थ्री, तो माइनक्राफ्ट के मॉब्स काफी ज्यादा नुबड़े होते हैं, मतलब कि भाई इधर पे इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं और मेरे पास आर्मर भी नहीं है, बट फिर भी मैं इन सबको सिर्फ एक स्टोन के एक्स के मदद से मार सकता हूँ। ये क्या बात हुई यार, ज़ॉम्बीज को तो काफी ज्यादा खतरनाक होना चाहिए, बट इनको हराना माइनक्राफ्ट में काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए माइनक्राफ्ट को थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने ऐड किया है कॉन्सेक्रेशन मोड को, और इस मोड को डालने के बाद माइनक्राफ्ट के सारे ज़ॉम्बीज सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि इमोर्टल हो जाते हैं। मतलब कि तुम जितना भी मारो इनको कोई भी डैमेज ही नहीं होता, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम लोग देख सकते हो इस क्लिप में इन ज़ॉम्बीज को कब से मार रहा हूँ, वो भी एक नेदरराइट स्वॉर्ड से, बट इनको कोई डैमेज ही नहीं हो रहा है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये लोग मेरे पे अटैक कर ही जा रहे हैं। 7+5 जैसे ओपी इंजन लगाने पर भी हम इनको नहीं मार सकते। तो सवाल ये आता है कि अगर ये लोग कभी मरते ही नहीं तो फिर गेम खेलने का क्या फायदा भाई, एक ज़ॉम्बी को भी नहीं मार सकते तो फिर गेम ही क्यों खेलना। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो दरअसल हम इन ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं, बट इनको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनको मारने के लिए या तो हमें अपने स्वॉर्ड में स्माइट वाला इंचेंट लगाना पड़ेगा, या फिर इनके शरीर में आग लगा के इनको हम मार सकते हैं। और आग लगाने के लिए हमें इस मोड में दो नए टूल्स भी मिलेंगे, एक है फायर स्टिक और दूसरा है फायर एरो। इन वेपन्स को यूज करके तुम लोग ज़ॉम्बीज के शरीर में आग लगा सकते हो, और उसके बाद अगर तुम उसको स्वॉर्ड से मारोगे तो वो ज़ॉम्बी मर जाएगा। तो इस मोड को यूज करने के बाद माइनक्राफ्ट और भी थोड़ा सा रियलिस्टिक बन जाता है। नंबर 4, तो माइनक्राफ्ट में बहुत सारे अच्छे खासे इंसेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर्च्यून, फेदर फॉलिंग, मेंडिंग, स्माइट, शार्पनेस, भाई बहुत कुछ होते हैं। बट नेगेटिव इंसेंट्स, या तो हम उसको कर्स भी बोल सकते हैं, सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, कर्स ऑफ बाइंडिंग और कर्स ऑफ बैनिशिंग। ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है ना, चलो इसको भी रियलिस्टिक बना देते हैं। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं कर्सरी मोड को। तो इस मोड में बहुत सारे किस्म के कर्स होते हैं, और ये सारे कर्स क्या करते हैं तो मेरे को भी नहीं पता। इसको जानने के लिए तुम लोगों को खुद इस मोड को डाल के देखना पड़ेगा, और इस मोड को डालने के बाद तुम्हें अपने इंसेंट्स में कर्स मिलने का चांस भी ज्यादा रहता है।
बताए। और रुको भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैंने अब तक बताया ही नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई तुम इन कॉर्स को हटा ही नहीं सकते हो। इवन ग्राइंडस्टोन पे डालने पर भी एक कॉर्स तुम्हारे वेपन पे ही रह जाती है। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना भाई, समस्या भी मैं ही लेकर आया हूँ और उसका समाधान भी मैं ही लेकर आया हूँ। नंबर 5, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक और मोड को यूज करने वाले है। इस मोड का नाम है डिसइंचेंटर। हाँ भाई, इंचेंटर का ऑपोजिट डिसइंचेंटर। इस मोड में हमें मिल जाता है एक डिसइंचेंटमेंट टेबल, और इस टेबल को यूज करके हम अपने टूल्स के कोर्सेस को बुक्स में निकाल सकते हैं। और बस इन कोर्सेस को ही नहीं बल्कि कोई भी इंचेंट्स को अपने टूल्स के अंदर से निकाल सकते हैं, और उन इंचेंट्स को अपने एनविल की मदद से कंबाइन करके मैक्स आउट इंचेंट्स भी बना सकते हैं। तो ये मोड भी काफी मजेदार है, तुम लोग भी इसको जरूर ट्राई करना। और अगले मोड में जाने से पहले मैं 5 बंदे को शाउट आउट देने वाला हूं जिसने भी मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो किया है। रुद्र, स्वराज, अभिष, पीयूष और आदर्श को शाउट आउट जाता है इस वीडियो में। और अगर तुम लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। उनमें से 5 बंदे को अगली वीडियो में शाउट आउट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाओ और फॉलो कर लो। नंबर 6, तो पिछले कुछ मोड से तुम लोगों को शायद पता चल ही गया होगा कि भाई ग्राइंडस्टोन कितना ज्यादा यूजलेस होता है। बट इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद हमारा ग्राइंडस्टोन भी काफी ज्यादा यूजफुल बनने वाला है। तो इस मोड का नाम है ग्राइंडस्टोन शार्पर टूल्स। और जैसे कि इसका नाम ही बोल रहा है, इस मोड को डालने के बाद हम अपनी ग्राइंडस्टोन से अपने टूल्स को शार्पन कर सकते हैं, और ये करने से हमारा टूल्स काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। चलो मैं तुम लोगों को कंपेयर करके ही दिखा देता हूँ। तो मेरे पास 2 स्माइट 3 वाला नेदरराइट का स्वॉर्ड है, तो इनमें से एक स्वॉर्ड को मैं शार्पन कर देता हूँ अपने ग्राइंडस्टोन से। तो चलो अभी फटाफट से चेक करते हैं कि इन 2 स्वॉर्ड में कितना फर्क मिलता है अपने को। तो पहले यूज करते हैं अपने शार्पन वाले नेदरराइट के स्वॉर्ड को, और इससे एक ही बार में एक ज़ॉम्बी मर गया, और दूसरे स्वॉर्ड से 1 और 2। तो हाँ भाई, तुम लोग क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो, अपने शार्पन टूल काफी ज्यादा तगड़ा होता है नॉर्मल टूल से। नंबर 7, तो माइनक्राफ्ट के सबसे दिमाग खराब कर देने वाले में से एक काम है इन मॉब्स को दूर से अपने बेस तक लेकर आना, या तो तुम्हें उनके साथ ही धीरे धीरे चलना होगा, वरना तो भाई पता ही नहीं चलता कब वो तुम्हारे पीछा करना बंद कर दे, और जब तुम अपने बेस में पहुंचोगे तो तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं होगा, सिर्फ तुम अकेला ही पहुंचोगे। ऐसा ही एक और फीचर भी है माइनक्राफ्ट में जिसकी वजह से भी हम सबका दिमाग खराब हो रहा है। तो तुम लोग मेरे चेस्ट में बहुत सारे सामान देख सकते हो, बट अगर मेरे को इन सारे सामान को ट्रांसफर करना है, या फिर अगर मैंने सोच लिया कि मैं अपने घर को एक दूसरे जगह पे शिफ्ट करूंगा, तो मेरे को ये सारे सामान को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा, और इन सारे सामान को ले जाना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। तुम लोग देख सकते हो भाई, ये सारे सामान जमीन पे बिखर जाते हैं, और इन सबको मेरे को कलेक्ट करके वापिस लेकर जाना पड़ेगा, और ये तो बहुत कम सामान था मेरे पास। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा सामान हो तो ये करना इम्पोसिबल बन जाता है। तो ऐसे ही मुश्किलों को दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक और मोड को जिसका नाम है कैरी ऑन नेवर। ये वाला कैरी नहीं भाई, उठाने वाला कैरी। तो इस मोड को डालने के बाद तुम किसी भी चीज को अपने गोदी में उठा सकते हो और उनको लेकर चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर इस बेड को अपने बेस तक लेकर जाना है तो मेरे को वीट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे को इसको अपने गोदी में उठा लेना है, और फिर चलते चलते मैं अपने बेस तक जा सकता हूँ इसको लेके। और सिर्फ भेड़ बकरियों को ही नहीं बल्कि मैं किसी भी चीज को उठा सकता हूँ इस मोड को डालने के बाद। अगर पिछली बार की तरह मेरे को अपने चेस्ट को फिर से मूव करना है तो मैं बस अपने चेस्ट को ही उठा सकता हूँ। बस मेरे को अपने चेस्ट पे शिफ्ट राइट क्लिक करना होगा और ये चेस्ट मेरे गोदी में आ जाएगा, और इस चेस्ट के साथ साथ इस चेस्ट के अंदर के सारे सामान भी इसके अंदर ही रहेंगे। तो इस तरह से हम काफी आसानी से अपने सारे के सारे सामान को एक ही बार में ट्रांसफर कर सकते हैं इस मोड को यूज करके। नंबर 8, तो नंबर 8 पे है हमारे पास पोर्टल गन्स मोड, और इस मोड को यूज करके हम एक पोर्टल गन बना सकते हैं। तो इस गन को यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है, मेरे को बस 2 पोर्टल्स बनानी है अपने गन को शूट करके। तो ये बन गया मेरा पहला पोर्टल और ये बन गया मेरा दूसरा पोर्टल। काफी कूल था ना ये देखने में, बट इससे भी कूल बात ये है कि भाई हम इन पोर्टल से ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई, मैं एक पोर्टल से अंदर घुस रहा हूँ और दूसरे पोर्टल से बाहर निकल रहा हूँ। तो ये वाला मोड पैक देखने में भी काफी ज्यादा कूल है और यूज करने में भी काफी ज्यादा मजेदार है, और ये मोड पैक तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है तुम्हारे सर्वाइवल वर्ल्ड में, इसलिए इसको जरूर इंस्टॉल कर लेना और एक बार ट्राई कर लेना। नंबर 9, तो बेट ना एक बहुत ही सिंपल सा चीज है और सिंपल सा एनिमेशन है, बट माइनक्राफ्ट में ये चीज भी अवेलेबल नहीं है। तो नंबर 9 पे हमारे पास एक काफी ज्यादा सिंपल मोड पैक, और इस मोड पैक का नाम है सीट, और इस मोड पैक से तुम लोग बैठ सकते हो भाई ऑब्वियसली। तो नॉर्मल वर्ल्ड में तो सिर्फ तुम एक स्लैब और स्टेयर के ऊपर ही बैठ सकते हो, बट अगर तुम फर्नीचर वाले मोड पैक को डालोगे तो उधर पे बहुत सारे चेयर और टेबल्स भी अवेलेबल होंगे। तो इस मोड पैक के साथ साथ उस फर्नीचर वाले मोड पैक को भी डाल देना ताकि हमारा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड और भी ज्यादा रियलिस्टिक बन जाए। नंबर 10, तो नंबर 10 पे है मेरे पास नो क्यूब्स मोड, और इस मोड को यूज करने के बाद पूरा माइनक्राफ्ट ही बदल जाता है। तो माइनक्राफ्ट हमेशा से ही एक ज्योमेट्रिकल शेप्ड गेम है, मतलब कि इस पे हर चीज एक ज्योमेट्रिकल शेप में होता है, और ये चीज काफी सारे लोग को पसंद नहीं आती है। तो अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो तो ये मोड पैक खासकर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तो बेसिकली ये मोड पैक तुम्हारे माइनक्राफ्ट के सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स को हटा देता है और इसको एकदम रियलिस्टिक बनाने का ट्राई करता है। बट अभी भी ये फ्लावर्स तुम्हें को सिमिलर ही लग रहे हैं, बट इस
पेड़ को देखो यार, पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। और ये पत्ते देखो भाई, कितना वियर्ड लग रहे हैं। और इस केप को देखो भाई, ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है भाई, बिल्कुल असली वाले केप के जैसा। और प्लेन्स बायोम तो सबसे अच्छा दिख रहा है भाई, इस मॉड पैक से सबसे ज्यादा सूट होता है ये, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ये तो। और एक बार मेरे को पानी को भी देखना है भाई, पानी तो और भी रियलिस्टिक लग रहा है। तुम लोग एजेस देख सकते हो पानी का, नॉर्मल माइनक्राफ्ट में तो पानी का एज क्या ही वियर्ड होता है भाई, पूरा स्क्वायर शेप में होता है, बट इधर पे थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, बिल्कुल एक रियल नदी के जैसा। तो इतने ही थे आज के सारे मॉड्स। अगर तुम लोगों को भी इन्हीं मॉड्स को खेलना है तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको 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 भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, अगली वीडियो में 5 बंदे को शाउट आउट मिलेगा, तो जरूर फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे भी, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा।